गोलू के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चावल के पकोड़े। चावल के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे स्टीम किए हुए चावल। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई प्याज, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। अब इसमें 1/2 कप बेसन डालेंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। हम इसे मिक्स कर लेंगे और अगर बैटर थोड़ा सा पतला लगे तो हम इसमें और बेसन डाल सकते हैं। पकोड़े बनाने के लिए अब हमारा बैटर रेडी है। पकोड़ों को तलने के लिए पैन में तेल को गरम कर लेंगे। पकोड़ों को तलने के लिए तेल अब गरम हो गया है। अब 1 चम्मच की मदद से हम पकोड़ों को तेल में डालेंगे और मध्यम आंच पर इसको तलेंगे। पकोड़ों को हम सुनहरा रंग का होने तक तलेंगे और एकदम क्रिस्पी हो जाए इसके बाद ही हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए, बनकर तैयार है चावल के क्रिस्पी पकोड़े।